18 मई को निकाह था, शादी के कार्ड छप गए थे, मैरिज हॉल भी बुक था। एक पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि दहेज का लालच उसका और उसकी बेटी का सपना चकनाचूर कर देगा। इस रोती हुई माँ को देखिए, जो अपनी बेटी का निकाह टूट जाने के कारण न्याय के लिए दर दर भटक रही है। परिवार का आरोप है कि बेटी के ससुराल पक्ष उनसे दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहा था, और जब पिता ने मोटरसाइकिल ना दे पाने की बात कही तो दूल्हे ने शादी से साफ इनकार कर दिया। मामला ये होया जी कि वो कह रहे हैं कि हम अभी भेज रहे हैं, वहाँ जाके दोनों पक्षों को बुला के बात करेंगे। अब बात क्या करें, हमारी लड़की को बाजे परेशान करने लगे। किस वजह से आप यहाँ आए? हम तो न्याय लेने आए हैं जी इनसे। किस चीज का न्याय है? इस बात का, हमारी लड़की की शादी तय हुई भी थी, 1.5 साल हो गया इस बात को तोड़ दी, और उनके अभी 2 दिन पहले हमने अपने दामाद को भेजा उनके आगे, भाई इनके यहाँ गाड़ी की बात चल रही थी, कोई मना भाई इनसे ID लिया हो जाके और गाड़ी बुक करवा दो। उन्होंने ID मांगने जाया भाई, हमारे दामाद से पूछा भाई कौन सी गाड़ी की मांग है जी, वो तो जो छोटी वाली है कोई डिलक्स लक्स आया गाड़ी, हाँ उसका ID की उसे देंगे हम आपको क्या लेके जी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो बुलेट की ज़रूरत है। हमारे एक रिश्ता जो है पहले भी बुलेट की वजह से टूटता हुआ है, उन्होंने बुलेट दी नहीं, वो भी रिश्ता यूँ टूटता था हमारा, अब हमें ऐसा लग रहा कि जो भी यूँ टूटता था। तो वो लड़का हमारा दामाद आ गया घर पर, उन्होंने हमारे से बता के फिर हम गए रात, हम जब वहाँ गए रात मैंने कहा भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, हमारे अंदर हिम्मत तुम्हें भी बताया कि हमारा क्या कारोबार है क्या काम है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। कहने लगा भाई अगर तेरे अंदर हिम्मत नहीं तो रिश्ता क्यों करना था, मतलब तुम 1.5 साल बाद आज ये बात बता रहे हैं, अगर पहले ही मांग करते तुम तो मैं रिश्ता ही ना करता, मैं रिश्ता ना करता जो आज तुम इस बात को कह रहे हैं मेरे से। अब मैं कहाँ से लूँ बुलेट तुम्हारे लिए? कौन सी तारीख में शादी है? ये 18 मई में शादी होनी थी, उन्होंने बदतमीजी बहुत करी रात, तो कार्ड वार्ड सब कार्ड छपवा रखे, कुछ कार्ड चले गए कुछ रुक रहे हैं, ठीक है जी नहीं मेरी, हाँ मेरी घरवाली मेरी साथ गई सारा हमारी साथ, दोनों की साथ बदतमीजी करी उन्होंने, पहले बुक कर रखा जी, ये है कितना खर्चा होगा, ये है जी पहले की रसीद, कम से कम 1.5 तो है जी, 2 भी हो सके, समझ गया ना, 1.5 साल में देखो आपको पता है कितने खर्च हो गया होंगे मेरे आने में जाने में। अब तो मैं जो है जी उन्हें सजा दिलवा करूंगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नदीम कॉलोनी ईदगाह रोड नदीम कॉलोनी का रहने वाला जी है जी। शादी कहाँ तय की? शादी एक छोटा सा होटल है बुक, क्या नाम है इसका, अनवार पैलेस। नहीं नहीं लोग कहाँ के रहने वाले जो लड़का यहाँ है जी, क्या नाम तकिए के, ये इसका क्या क्लब ना, इसमें क्या नाम सपना टाकीज के सामने एक सड़क जा रही है अंदर अलमपुरे से, वो तकिया पड़ रही है अंदर, वहाँ लड़के का नाम है यूनुस, लड़के के उसका नाम है महबूब। हम पुलिस लाइन इसलिए आए कि हमने अपनी लड़की की मंगनी कर रखी थी, 1.5 साल हो गया, अब आखिरी जुमे को हमने तारीख दे दी थी, हमें पता नहीं था भाई उनकी मांग इतनी है, अब इन टाइम पे उन्होंने परसों चौथे हमें इनकार कर दिया कि हम तो वो लेंगे बुलेट, हमारे हम सुलेनामा के लिए रात भी गए उनके यहाँ, रात हमारे साथ बदतमीजी करी उन्होंने बहुत ज़्यादा, क्या भागो यहाँ से जब तुम्हारे पर नहीं है तो हम नहीं तुम्हारी लड़की नहीं कबूल करने के, शादी के कार्ड भी छप गए, पैलेस भी बुक हो गया, और जी फर्नीचर में भी पैसे चले गए, हमारा सारा काम बिल्कुल तैयार है, अब 18 मई के देखो कार्ड भी ये रहे हमारे पास, ये क्या देने का वादा हुआ था और क्या मांग रहे हैं? हमने तो दी थी छोटी वादा, नहीं हमने कुछ करा था वादा, कुछ नहीं करा था, बस ये कहा था कि अब हम गाड़ी देंगे मोटरसाइकिल देंगे, अब ये कह रहे हैं हमें बुलेट दो, ना ना वे समझाए में नहीं आ रहे, शादी तो वहीं हुई थी उनके घर पे ही, वो है तकिया है तकिया क्या क्या खलालमपुर है जी, अजी हमारा तो 1.5 लाख से 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो गए हमारे रिश्ते को, 1.5 साल होगी सर, पूरे 1.5 साल में इतना मिठा बने था आके कि नु कहते तुम्हारे से बढ़िया कोई नहीं, हमें फुसला बेटा कि हम अच्छा बड़ी मांग रखे थे, अब हम तो अपना न्याय चाहिए, हमें तो उनसे चाहिए जो भी हमने खर्च कर रखा, हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ से देंगे, हम तो उनको सजा दिलवाएंगे। हम तो लड़की के माता पिता निकाह टूट जाने के बाद न्याय मांगने SSP कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारी से दूल्हे और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। लड़की के माता पिता ने पुलिस लाइन स्थित SSP कार्यालय पहुंचकर SP CT अभिमन्यु मांगलिक को बताया
कि 1.5 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए सहारनपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला तकिया निवासी एक युवक से रिश्ता तय किया था। शादी के लिए मैरिज हॉल भी बुक कर दिया गया था और कार्ड भी छप चुके थे। ज्यादातर मेहमानों को कार्ड बांट भी दिए गए थे। वहीं लड़के वालों ने पहले भी अपने बड़े बेटे की शादी में बुलेट मांगी थी और उसका भी रिश्ता तोड़ दिया गया था। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दहेज के कारण या तो शादी होने से पहले रिश्ता तोड़ दिया जाता है या फिर शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और नौबत तलाक तक आ जाती है। बता देंगे साल 1961 में ही दहेज जैसी कुप्रथा को भारत में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज 60 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी इस कुप्रथा से हमारा समाज ग्रसित है। इसके खिलाफ कई जागरूकता अभियान भी चलाए जा चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।